You done this before? हेलो गाइस, मूवी एंड वेब सीरीज के इतने बड़े दुनिया में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं टॉप 20 हॉलीवुड वर्ल्ड बेस्ट मूवी जो ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच सुपर डुपर हिट रहे हैं, जिसे एटलीस्ट 2 ऑस्कर अवार्ड तो जीते ही हैं। 20 की लिस्ट है तो स्टोरी बताकर बोर और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ 20 से 30 सेकेंड लेंगे एक मूवी को बारे में बताने के लिए, क्योंकि इस लिस्ट की सारी मूवी ऑस्कर विनिंग मूवी है तो मूवी तो कमाल की होगी, और साथ में इसके अवार्ड विनिंग और नॉमिनेशन के भी बारे में बताएंगे और क्यों देखना चाहिए इन मूवी को। खास बात है कि इस लिस्ट की सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 20 पे साइंस फ्रिक्शन एक्शन थ्रिलर 7.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 6 ऑस्कर विनिंग टोटल 182 नॉमिनेशन के साथ 1 आवर 31 मिनट की ग्रेविटी। ये मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे लिए ग्रेविटी कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। नंबर 19 पे है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एक्शन साइंस फ्रिक्शन 7.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 3 ऑस्कर विनिंग टोटल 129 नॉमिनेशन के साथ 2 आवर 42 मिनट की एवतार। ये मूवी आपको रियलिटी के दुनिया से वर्चुअल की दुनिया में ले जाएगी, तो आप इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 18 पे वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी और इस लिस्ट की सेकेंड हाईएस्ट ऑस्कर विनिंग रोमांस ड्रामा एपिक 7.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 11 ऑस्कर विनिंग टोटल 113 नॉमिनेशन के साथ 3 आवर 30 मिनट की टाइटैनिक। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो है तो एक्टिंग तो टॉप नॉच लेवल का देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आप मूवी से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो जाओगे और खुद से रिलेट करने लगोगे। नंबर 17 पे है एडवेंचर ड्रामा 7.9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 4 ऑस्कर विनिंग टोटल 132 नॉमिनेशन के साथ सूरज शर्मा की लाइफ ऑफ पाई। मूवी देखकर आपको भरोसा नहीं होगा कि इनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म में सूरज शर्मा की आउटस्टैंडिंग नेचुरल एक्टिंग देखने को मिलेगी, तो आप इस मूवी को कभी भी मिस मत कीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। नंबर 16 पे हॉरर थ्रिलर 8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2 ऑस्कर विनिंग टोटल 17 नॉमिनेशन के साथ एग्जोसिस्ट। कहा जाता है कि ये फिल्म दुनिया की सबसे डरावनी फिल्में से एक है। इस फिल्म में इतना वायलेंस और खून था कि जिसके वजह से ये फिल्म कई देशों ने बैन किया था। अगर आप सच में डरना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। नंबर 15 पे है टॉम हार्डी की बेस्ट सर्वाइवल मूवी 8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 3 ऑस्कर विनिंग टोटल 186 नॉमिनेशन के साथ रेवेनेंट। ये मूवी आपको बताएगा कि कोई इंसान जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इस फिल्म में ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाली सीन है जो आप देख भी नहीं पाओगे। आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 14 पे इंडियन लीडर देश के बापू पे बनी फिल्म 8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 8 ऑस्कर विनिंग टोटल 21 नॉमिनेशन हिस्ट्री एपिक मास्टरपीस फिल्म गांधी। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो क्या देखी। हाल ही में गांधी जी के चश्मा $3,40,000 में बिकी, यानी इंडियन करेंसी में 2.5 करोड़। आप इस मूवी को मिस मत करना। नंबर 13 पे इस मूवी को एक बार में समझने के लिए दिमाग को 100% तक ले जाना होगा, तभी ये मूवी को समझ में आएगा। हम खुद इस मूवी को 4 बार में क्लियर किए हैं मूवी को समझने के लिए। 8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 4 ऑस्कर विनिंग टोटल 217 नॉमिनेशन के साथ, जी हाँ हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर नॉलन की इंसेप्शन। अगर आप एक डार्क और उलझी सुलझी मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। नंबर 12 पे एक्शन एडवेंचर जिसके ग्राफिक्स 100% रियल लगे 8.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 3 ऑस्कर विनिंग टोटल 27 नॉमिनेशन के साथ 2 आवर 7 मिनट की जुरासिक पार्क। उस टाइम पे ऐसी ग्राफिक्स इतनी रियलिस्टिक तरह से दिखाना कोई आम बात नहीं। अभी भी आप इस मूवी को देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि 90 की दशक की मूवी है। आप इस मूवी को एक बार अभी जरूर ट्राई करना। Boy, I hate being right all the time.
नंबर 11 पे है। इस फिल्म के बारे में जितना भी बोले उतना कम है। एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल 8.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ मैड मैक्स फ्यूरी रोड। 6 ऑस्कर विनिंग टोटल 228 नॉमिनेशन जिसे एक ऑस्कर बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइल पे मिली है। इस फिल्म में टॉम हार्डी और चार्ली थेरन ने भाई साहब क्या चीड़फाड़ एक्टिंग की है। इसके एक्शन और स्टंट देखकर आपके दिमाग कुछ पलों के लिए स्थिर हो जाएगा। अब इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आप एक अच्छी मूवी मिस कर रहे हैं। आप जरूर इस मूवी को अभी जाकर देखिए। नंबर 10 पे एक्शन साइंस फ्रिक्शन 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 4 ऑस्कर विनिंग टोटल 33 नॉमिनेशन के साथ टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। इस मूवी ने हमें बता दिया कि एक रोबोट कितना खतरनाक हो सकता है। तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। नंबर 9 पे मास्टरपीस सर्वाइवल मूवी 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 3 ऑस्कर विनिंग टोटल 73 नॉमिनेशन के साथ द पियानिस्ट। इस फिल्म के बारे में क्या बताएं? कभी कभी ऐसा होता है ना जब एक गरीब के बच्चे आपके पास आकर कहे कि 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। बस यही फीलिंग आएगा ये मूवी देखने के बाद। कई दिनों कई महीनों तक इस मूवी के विजुअल और एक्टिंग आप भूल नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी नेचुरल एक्टिंग की है एरिन ब्रैडी ने। ये मूवी इतनी अच्छी है कि इस मूवी को देखने के बाद अपने दोस्तों को बिना बताए आप रह ही नहीं पाएंगे। आप इस मूवी को एक बार देखिए तो सही, आपको मजा नहीं आ गया तो बताइए। नंबर 8 पे हॉरर थ्रिलर 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 5 ऑस्कर विनिंग टोटल 51 नॉमिनेशन के साथ द साइलेंस ऑफ द कैम्स। अपने टाइम का ये मूवी सुपर हिट मूवी थी। इस मूवी के ट्विस्ट और सरप्राइज आपके दिमाग हिला कर रख देगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 7 पे इस लिस्ट की पहली कोरियन फिल्म जिसे 4 ऑस्कर अवार्ड, इस लिस्ट की सबसे ज्यादा टोटल 238 नॉमिनेशन क्राइम ड्रामा के साथ पैरासाइट। 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ जिसे रोटेन टोमेटो जैसी प्लेटफॉर्म पे 99% की वोट मिली है जो रिकॉर्ड है। तो आप सोच ही सकते हैं मूवी कितनी खतरनाक होगी। एक बार तो ट्राई करना बनता है। नंबर 6 पे है जिसे हॉलीवुड में साइंस फ्रिक्शन मूवी को बदल कर रख दिया। 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 5 ऑस्कर टोटल 51 नॉमिनेशन के साथ स्टार वॉर एपिसोड 4 अ न्यू होप जिसने उस समय पे हॉलीवुड में साइंस फ्रिक्शन का इतिहास बदल कर रख दिया। आप एक बार देखिए उस मूवी को। नंबर 5 पे है जिसे स्लो मोशन और फास्टेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 4 ऑस्कर विनिंग टोटल 51 नॉमिनेशन के साथ मैट्रिक। मूवी लवर के लिए ये मूवी तो हॉलीडे से कम नहीं। ये मूवी अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करना। नंबर 4 पे फैंटेसी एडवेंचर 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 4 ऑस्कर विनिंग टोटल 124 नॉमिनेशन के साथ इस लिस्ट की दूसरी सबसे ज्यादा लंबी फिल्म 3 आवर 48 मिनट की द लॉर्ड ऑफ रिंग द फेलोशिप ऑफ द रिंग। नंबर 3 पे है जिसने हमारे जिंदगी के कई बड़े बड़े लेसन सिखा गए। 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 6 ऑस्कर टोटल 74 नॉमिनेशन के साथ फॉरेस्ट गम। कुछ मूवी ऐसी होती है जो आंखों को सुकून और सेटिस्फेक्शन देती है। ये मूवी उन्हीं में से एक है। आप एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा, आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। नंबर 2 पे है जिसने हर एक कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। 8.9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 11 ऑस्कर विनिंग टोटल 123 नॉमिनेशन के साथ इस लिस्ट की सबसे लंबी फिल्म 4 आवर 11 मिनट की द लॉर्ड ऑफ रिंग द रिटर्न ऑफ किंग। नॉट फॉर आवरसेल्व्स बट वी कैन गिव फ्रोडो अ चांस। नंबर 1 पे इस मूवी के डायरेक्शन और हीट लेजर की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। 9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2 ऑस्कर टोटल 159 नॉमिनेशन के साथ क्रिस्टोफर नॉलेन की द डार्क नाइट। इस मूवी में हीट लेजर ने क्या एक्टिंग की है भाई साहब, एक एक मूवमेंट में इनकी एक्टिंग डिटेल में दिखती है। आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। No, there ain't no stopping us.